आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कौन से ब्रांड का काजल प्लस आईलाइनर परचेज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम प्लीज बता दो काजल पेंसिल कौन सा ले, टूट जाता है काजल पेंसिल जो बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो कोई ऐसा काजल बताओ या कोई ऐसा लाइनर बताओ जिसका स्टे बहुत अच्छा रहे और वो बिल्कुल भी फैले ना। बहुत सारे लोगों को मोस्टली काजल में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि काजल जैसे ही लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद यहाँ जो हमारा अंडर आई एरिया होता है ना, वहां पर काजल फैल जाता है और इतना ब्लैक हो जाता है, तो बहुत ही भद्दा दिखता है हमारा फेस। तो ऐसे में हमें कौन सा काजल यूज करना चाहिए जो कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, बहुत खूबसूरत सा भी दिखे लगाया हुआ, और आईलाइनर भी मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ गाइस जो कि आपके आईज पर, ठीक है ना, जो आईलिड होती है, जो लाइनर जो होता है ना, वो आपकी आईलिड पर 8 से 10 घंटे तक ऐसे का ऐसा टिका रहेगा, ठीक है ना। आपको जो है मेकअप रिमूवर के साथ ही उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसका स्टे बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको लगाते सार ही ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा लाइनर्स ऐसे होते हैं ना गाइस की जैसे ही हम लगाते हैं और 5 मिनट भी हम वेट कर लेते हैं ना, तब भी यहाँ पर हमारे जो ये जो आईब्रो के नीचे का एरिया होता है ना, यहाँ पर इतना ब्लैक हो जाता है, वो लग जाता है। तो जोन सा मैं आपको लाइनर सजेस्ट करने वाली हूँ उसके साथ ऐसी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विद इन 5 और 6 सेकंड्स के अंदर जो है ना वो आपका जो लाइनर है एकदम से सूख जाएगा, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत अच्छे कॉस्मेटिक के दो प्रोडक्ट है जिनको अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। तो अब मैं फटाफट से दिखा देती हूँ आपको कि ये काजल पेंसिल प्लस लाइनर कौन सा है और इसको कैसे लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। गाइज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्टेक्वेर के ये काजल पेंसिल की, और साथ में जो है मेरे पास है यहाँ पर स्टेक्वेर का लिक्विड लाइनर आईलाइनर है ये गाइस, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है और साथ साथ ही वाटर प्रूफ भी है गाइस। तो आप जो है ना सबसे पहले इसका छोटा सा रिव्यू कर देती हूँ मैं गाइस, भाई जो मेरा इसके साथ पहला जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टेक्वेर का जो काजल है सीरियसली ये बहुत बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मैंने इसका ब्लैक शेड यूज़ किया हुआ है और अब मेरा वो फिनिश हो गया, लेकिन अब जो मैंने ये दूसरा लिया है गाइस ये है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इसमें जो है ना नए और भी शेड्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि ब्लू शेड है, स्काई ब्लू है, सिल्वर है, गोल्डन है, बहुत प्यारी प्यारी शेड्स इसमें और भी मिल जाएंगे। जो लोग अपनी ड्रेसेस के साथ मैच करके काजल पेंसिल ढूंढते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और मुझे ग्रीन कलर स्पेशली बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये ग्रीन कलर का काजल लिया है गाइस। और ये पूरी तरह से स्मज प्रूफ है गाइस, बिल्कुल भी ये फैलता नहीं है, वाटर प्रूफ है ये बिल्कुल, और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, लॉन्ग लास्टिंग तो गाइस ये कम से कम 8 से 9 घंटे तक ऐसे ही टिका रहता है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। तो जो सेकंड चीज है यहाँ पर आईलाइनर, ये भी स्टेक्वेर का है गाइस, और आईलाइनर में मैंने यहाँ पर जो है शेड मंगाया है ब्लैक। ऑलरेडी मैंने 2 शेड्स इसके यूज किए हुए, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 2 शेड्स मैंने पहले भी यूज की हुई हैं, जो कि एक ग्रीन कलर है, ये सिल्वर कलर है, और एक मेरे पास ऑलरेडी भी है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का वो है। अब ये 4th है मेरे पास जो कि ब्लैक कलर का है, मुझे जल्दबाजी में वो मिला नहीं बट मेरे पास है अभी भी वो, और बहुत 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 ही बढ़िया है ये गाइज, इसका स्टे बहुत अच्छा है सीरियसली, एप्लीकेटर भी बढ़िया है, बहुत ईजिली ये लग जाता है और बहुत मस्त लगता है। शेड्स जो है ना लाइनर में भी मिल जाएंगी आपको, काजल पेंसिल में भी मिल जाएंगी, तो जो भी शेड ना चाहो आप, जो भी आपको पसंद हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक कर सकते हो, आप वहां से आप इसको मंगवा सकते हो, और दोनों ही स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग है। तो अब आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि काजल को कैसे अप्लाई करना चाहिए, फिर बताऊंगी कि लाइनर को कैसे अप्लाई करना चाहिए। दोनों को एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, दोनों को नहीं, दोनों की एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। और सबसे पहले जब हम लाइनर अप्लाई करते हैं ना तो आपने जो है ना अपने जो ये आईज एरिया है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ,
ये जो एरिया है गाइस, यहाँ पर आपने लूज पाउडर कॉम्पैक्ट जो होता है उसके साथ जो है ना यहाँ पर सेटिंग कर दी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पर बिग बैंग का जो है लूज पाउडर है, कोई भी लूज पाउडर ले लीजिए आप, या फिर जो कॉम्पैक्ट होता है वो, उसके साथ ना आपने या तो ब्रश ले लो, अगर स्पंज है तो स्पंज ले लो। आपने ये वाले एरिया को अच्छे से जो है ना सेट करना है, ताकि मतलब जो ऑयल निकलता है ना स्किन से वो हट जाए। काजल अप्लाई करने से पहले जो है ये स्टेप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ये जो एरिया होता है, चाहे ब्रश की हेल्प से कर लीजिए या फिर ऐसे स्पंज की हेल्प से कर लीजिए, तो ऐसा करने से जितना भी स्किन से ऑयल निकलता है वो हट जाता है और आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। ये बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक कह लो, एक छोटी सी टिप बता रही हूँ आपको कि कोई भी काजल जब भी लगाते हो तो नीचे कम्पैक्ट पाउडर के साथ जो है ना ऐसे सेटिंग कर लिया करो। ये ऐसा करने से आपका काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा। तो मैंने हल्का हल्का सा लगा के सेट कर लिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी लग गया, ठीक है। तो ये है पहला स्टेप। उसके बाद जो है आपने काजल पेंसिल को लेना है और एक सबसे पहली बात कि आपकी आईज को आपने पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन इन द सेंस कॉटन के साथ क्लीन कर लो या छोटे से सॉफ्ट टिश्यू के साथ क्लीन कर लो। आईज के अंदर आपके कोई भी जैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कई बार डर्ट वगैरह अड़ती रहती है तो काजल अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता। तो आपने पहले आईज को अच्छे से क्लीन करना है, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जो है अपनी अंडर आई एरिया को सेट कर लेना है ताकि वहां से ऑयल ना निकले। ऑयल निकलता है तो हमारा जो काजल है वो बहुत ज्यादा फैलने लगता है, ठीक है गाइस। और आपने इस तरह से काजल पेंसिल को निकालना है, बहुत अच्छा है ये देखो काफी बड़ा है लेकिन थोड़ा सा खोलना होता है। इसको अप्लाई करने से पहले ना आपको इसकी जो बताती हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है, ऐसे अपने हैंड पर बताती हूँ। ये देखो पूरी तरह से पिगमेंटेड है ये, और आपको शायद थोड़ा थोड़ा ये ब्लैक भी लग रहा हो लेकिन ये ब्लैक नहीं है। जैसे जैसे ग्रीन, जो डार्क वाला ग्रीन होता है ना, जैसे काई वाला कलर जो होता है वो वाला शेड है ये। और फर्स्ट स्वाइप में ही आप देख सकते हो कि इतना प्यारा जो है ना, इतना खूबसूरत सा लग रहा है ये। आपको बार 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 रगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही बार में ही अच्छे से लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको जब भी लगाते हो, इसके एक वो भी लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहता है ये और स्मज प्रूफ कैसे है, जब आप इसको लगाते हो कम से कम 30 to 60 seconds दो इसको सूखने के लिए। जैसे ही 60 सेकंड्स इनकी 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको जैसे मर्जी रगड़ते रहो, जैसे मर्जी आप पानी में डालो, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा। सीरियसली मैंने अभी इसको लगाया है, आफ्टर 1 मिनट जब मैं इसको उतारने की कोशिश करूंगी ना, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बहुत पास से मैं आपको लाइनर और काजल अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि जो है आपको एप्लीकेशन का बिल्कुल साफ साफ पता चल सके। तो बहुत सारे लोग बोल्ड काजल लगाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिंपल काजल लगाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लाइनर भी लगाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल काजल लगाना दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। तो आपने काजल पेंसिल लेनी है और अपनी आईज को ऐसे करके ना आपने, और फिर आपने अपने काजल को अप्लाई करना है ऐसे। ये लोअर वाटर लाइन जो होती है यहां से आपने इसको लगाना है। आप देख सकते हो मुझे मोस्टली जो है ना बारीक ये जो काजल है लगाना पसंद है, तो मैंने अभी आपको बारीक लगा के दिखाया है जो कि नॉर्मल सा लग रहा है गाइस। और अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे लास्ट में जब आप करोगे तो बहुत सुंदर लगता है। बस जहां पर आपने पहले लगाया है काजल उसके नीचे ही बस आपने वहीं पर ही थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना है। यू कैन सी कि कितनी ईजिली काजल लग जाता है। ये इस तरह से काजल आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और अगर बोल्ड काजल लगाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ना कि ये जैसे मैंने लास्ट में लगाया है सेम इसी तरह से आपने आगे भी लगाना है। मुझे इस टाइम बोल्ड लगाना सूट नहीं करेगा तो इसलिए मैं आपको ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। लास्ट में जैसे मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया ना, उसी तरह से आप इसको आगे तक ले जाकर सेम जितना ज्यादा बोल्ड करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपने अपनी दूसरी आईज में जो है काजल लगाना है। और वही लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूंगी, थोड़ा सा।
ये देख सकते हो आप, ये देखिए दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा बोल्ड किया। इस तरह से आप सिंपल काजल को अप्लाई कर सकते हो, और बोल्ड करना चाहते हो तो इस तरह से इसको थोड़ी सी एक लेयर और बना दीजिए, वो बोल्ड काजल हो जाएगा। गाइज बहुत से लोग कहते हैं कि काजल फैल जाता है, वैसे तो ये काजल जो है स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, लेकिन फिर भी जब भी आप काजल लगाते हो तो आपका मोस्टली जो काजल है ना वो यहाँ से फैलना स्टार्ट होता है। एग्री हो ना मेरी बात से, यहाँ से ही फैलता है, यहाँ पे ज्यादा 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 होता रहता है, फिर वो सब में आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप काजल लगाते हो तो फिर से लूज पाउडर या फिर कम्पैक्ट पाउडर लीजिए और ऐसे अपने इस वाले एरिया में सेट कर दीजिए। देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि एसी फैन सब बंद करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मैं वो सब चलाती हूँ तो आवाज़ ही नहीं जाती यार। तो आपने यहाँ पर ना पूरे काजल के नीचे एक छोटी सी लेयर बना देनी है, बाउंड्री बना देनी है एक तरह से। आप चाहे ब्रश की हेल्प से कर लो ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से रिसेट कर देती हूं। ऐसा करने से क्या होगा गाइस कि ये जो आपका काजल है ना उसका एक एरिया डिसाइड हो जाएगा कि वो यहां तक ही रहेगा, जहां पर ये लाइन हमने क्रिएट की है, जो बॉर्डर लाइन क्रिएट की है, इससे आगे जो है काजल बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। सेम इसी तरीके से आपने यहां पर कर लेना है। छोटे से ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो आप, बस बहुत ही सिंपल है काजल को अप्लाई करना। और अब मैं आपको जो है ना लाइनर लगाना भी दिखा देती हूँ। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टेक विर्की का जेट ब्लैक आईलाइनर, और कोई शेड पसंद है तो आप और कोई शेड भी यहाँ से परचेज कर सकते हो, जैसे मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं अभी फिलहाल आपको यहाँ पर ब्लैक वाला शेड लगाकर दिखाती हूँ। एप्लीकेटर देखो कितना स्मॉल है, जिसकी वजह से इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और जितना ज़्यादा लॉन्ग एप्लीकेटर होता है ना उतने ही मतलब ना हाथों पर ग्रिप नहीं बनती हमारी, ठीक है। स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होती है आईलाइनर लगाने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छा आईलाइनर लगाना आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ऐसे करना है पहले आईज को, ठीक है, ऐसे फिंगर की हेल्प से। गाइज यू कैन सी कि मैंने थोड़ा सा बोल्ड आईलाइनर लगाया है, जो कि मुझे बहुत बहुत सूट करता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर काजल जो था ना वो बारीक रखा है और आईलाइनर थोड़ा सा बोल्ड किया है। ऐसा आईलाइनर लगाते हो ना जब आप, तो आपको शेडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आई शेडो जो होता है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आईज बहुत ही स्मोकी लुक देती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपकी मर्जी, आप इसको थोड़ा बारीक भी लगा सकते हो, आप इस तरह से थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हो। तो हल्के से मैंने यहाँ विंग क्रिएट की है, सेम इसी तरह से आपने अपनी दूसरी आई पर आईलाइनर को अप्लाई करना है। पहले आपने थोड़ी सी बारीक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और नीचे तक। और फिर इसी पर ही आपने थोड़ा सा डबल लाइन कर देनी है। यू कैन सी कि मैंने कितनी इजीली जो है ना लाइनर प्लस काजल अप्लाई किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइज आप भी बहुत ही सिंपल से तरीके से जो है ना अपना लाइनर और काजल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और स्टार्टिंग टाइम है आपका, अगर आप स्टार्टिंग है आपकी मेकअप की, तो स्टार्टिंग में ही छोटी छोटी टिप्स फॉलो करोगे तो मेकअप करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे गाइज, बिल्कुल भी आपका मेकअप खराब नहीं होगा, अच्छे वाला लुक क्रिएट करेगा। तो गाइज अगर आपको ये जो स्मज प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ ये जो काजल प्लस आईलाइनर पसंद आए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। अगर लेना चाहती हैं तो वहां से डायरेक्ट ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो। भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है और दोनों पर या तो 20% या फिर 25% आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये 130 रुपीज में पड़ जाएगा। वैसे इसका MRP 175 है, मे बी आपको 100 में भी मिल जाए। तो सेल्स वुल चलती रहती है गाइज, उसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से लाइक दीजिए, मुझे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर ये काजल और लाइनर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको चेकआउट कीजिएगा और साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि purple.com पर आए दिन कोई ना कोई सेल चलती रहती है। फेस्टिवल सीजन चलते हैं तो सेल्स भी बहुत ज्यादा चलती है, तो भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। लेना चाहते हैं तो वहां से आप रीजनेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।